राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का श्लोक 28 देखते हैं। पहला चरण शुभा, श पी छोटे ऊ की मात्रा, शुभा शुभ दोनों मात्रा छोटी है, आपको लंबा नहीं खींचना। दूसरे भ पे अमिक्स करना है, शुभा शुभ। इसके बाद फ, फ में अमिक्स करेंगे, फलई लपी दो मात्रा, फलई रे, फलई रे, र पे एक एक ही मात्रा है तो फलई रे व। शब्द पुराने के बाद व पे अनुस्वार आधम, फलई रे वम। पहला चरण रिपीट, शुभा शुभ फलई रे वम। दूसरा चरण मो के साथ आधा क मोक, इसके बाद में आधा श षट्कोण। देखिए आधा क और आधा श, ये आधा क्षत्रिय बनता है, इसीलिए आधे क को आपने मो के साथ जोड़ दिया और आधे श को य के साथ, मोक श्य, श आधा य पूरा य में अमिक्स कर देंगे, श्य से, श और से उच्चारण ध्यान रखना है, श से षट्कोण का थोड़ा तेज होगा, मोक्ष से। क, क में अमिक्स करेंगे, क म की ऊपर आधी र की मात्रा, कर्म कर्म, ब के ऊपर आधे न की बिंदी, बन, क्योंकि शब्द के स्टार्टिंग में या बीच में कहीं पे भी बिंदी होती है उसको अपन पढ़ते हैं, आधा न, तो बन ध, पूरा ध में अमिक्स करेंगे, बन ध, न पे दो मात्रा नई, बन ध नई, और उसके बाद में नई के बाद में विसर्ग है तो नई में दो मात्रा तो इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हई, बंदन हई। दूसरा चरण रिपीट, मोक्ष्य से कर्म बंधन हई। पहला और दूसरा चरण साथ में, शुभा शुभ फलई रेवम, मोक्ष्य से कर्म बंधन हई। तीसरा चरण स के साथ आधन सन, न्या आधे न के साथ या न्या, स पूरा स में अमिक्स करेंगे, सन्यास योग, ग में अमिक्स करेंगे योग। इसके बाद में यू, यू के बाद जो जिस तरह से ये सिंबल दिखा हुआ है यू के बाद, इसको बोलते हैं आधा क और त पूरा, जो अक्षर पूरा है उस पे मात्रा लगा देंगे, मात्रा यहाँ पे आ की है तो युक्ता, यू के साथ आधा का जोड़ा युक, ता के साथ आधा तत् युक्तात् मा युक्तात्मा। तीसरा चरण रिपीट, सन्यास योग युक्तात्मा। चौथा चरण देखेंगे अब, विमु मात्रा दोनों की छोटी है, लंबा नहीं खींचना। इसके बाद में वापस वही चीज जो आपने युक्तात्मा में पढ़ा, आधा क और त पूरा, और जो मात्रा होती है उसको त के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो विमु मुंह के साथ आधा क, विमुख त पूरा, त पे यहाँ पर मात्रा है ओ की, तो यहाँ पर ओ की मात्रा जोड़ दो, विमुक्तो मामू, मुंह की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचना, मामू। प पे दो मात्रा पई, पई के साथ आधा श षट्कोण, पैश य पूरा य में अमिक्स करेंगे, पैश यसी। चौथा चरण रिपीट, विमुक्तो मामू पैश यसी। तीसरा और चौथा चरण साथ में, सन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैश्यसी। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, शुभा शुभ फलैरेवम, मोक्ष्यसि कर्म बंधन हई, सन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैश्यसी। अगेन संन्यास योग युक्त, सॉरी, शुभा शुभ फलैरेवम, मोक्ष्यसि कर्म बंधन हई, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैश्यसि। अब श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पिछले दोनों श्लोकों में भगवान ने पदार्थ और क्रिया को अपने अर्पण करने की बात कही है। भगवान ने कहा कि जो पदार्थ और क्रिया को अर्पण मेरे करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अब उसे अर्पण करने से क्या परिणाम निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, उसको इस श्लोक में भगवान बताएंगे। शुभा शुभ, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, शुभ
धन अशुभ, फलई यानी शुभ और अशुभ कर्मों के फल, फलई रेवम, र में ई की मात्रा एवं यानी इस प्रकार। इस प्रकार क्यों लिया, क्योंकि अपन ने पिछले दो श्लोकों में क्या अर्पण करने की बात कही थी, पदार्थ और क्रिया, मतलब जो भी अपन काम कर रहे हैं वो भगवान के अर्पण कर देना और जो भी पदार्थ यूज कर रहे हैं उन सबको भगवान के अर्पण कर देना। तो इस प्रकार मेरे अर्पण करने से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन है, कर्म बंधन से। तो क्या बोला भगवान ने इस पहले चरण में, इस प्रकार मेरे अर्पण करने से शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन से और उनके फल से मुक्त हो जाएगा। आगे संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग युक्तात्मा यानी अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण कर देने से विमुक्तो मुक्त हो जाएगा। मामू पैश्यसी, इसमें दो शब्द है, माम धन, मामू मामी ऊ की मात्रा, तो उपैश्यसी यानी प्राप्त हो जाएगा, मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार सब कुछ अपने सहित मेरे अर्पण करने से तुम मुझको प्राप्त हो जाएगा। पूरा अर्थ क्या निकाला भगवान ने, बोला कि इस प्रकार सब कुछ मेरे अर्पण कर देने से, कर्म बंधन से और शुभ अशुभ चाहे जो भी कर्म का फल हो उस फल से तुम मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार किससे, जैसे कि आप जो भी कर्म कर रहे हो लेकिन उस कर्म का आपने भगवान को अर्पण कर दिया, तो उसका जो भी शुभ परिणाम हुआ या अशुभ परिणाम हुआ उस परिणाम के बंधन से हम लोग बंधेंगे नहीं, क्योंकि ये बंधन ही हमारे अगले जन्म का कारण बनता है। लेकिन सब कुछ भगवत अर्पण करने पर भगवान ने कहा कि हम कर्म बंधन से और उन शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपने सहित सब कुछ भगवान के अर्पण करने से सबसे सर्वथा मुक्त हुआ, केवल किसको प्राप्त हो जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो बंधन कर्म बंधन से छूट गया वो इस आवागमन के चक्र से स्वतः छूट जाएगा और उसे फिर ये जन्म मरण के चक्र में फंसना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार अपने द्वारा किए गए हर कार्य को भगवान के अर्पण कर दें, हमारे द्वारा हर पदार्थ हर क्रिया को भगवत अर्पण करने से अवश्य ही हम कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर महाराज के द्वारा दिए गए पंचामृत एकदम साठ होते हैं कि हम सब भगवान के ही हैं, हम सब भगवान का ही काम करते हैं, हम सब भगवान के दरबार में ही रहते हैं, हम भगवान का प्रसाद ही पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। इसका मतलब हम भगवान के ही हैं, हम काम भी जो करते हैं वो भगवान को ही करते हैं और भगवान का ही करते हैं, और जो भी किसी और की सेवा करते हैं वो भी भगवान की ही करते हैं। तो इस तरह से हमारे द्वारा किया गया सब काम केवल भगवत अर्पण ही है और अवश्य ही इससे हम सर्वथा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण।